एक उठाई ऊपर इसका कम से कम जाना चाहिए और कीजिए फिर से। नमस्कार, खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हाजीपुर के मरई चौक पे एक कराटे के इंस्टीट्यूट में हम पहुंचे हैं, जहां पर प्रतियोगिता कराया जा रहा है। दूर दूर से बच्चे आए हैं और प्रतिभा अपने निखारने आए हैं, और किस तरीके का ये कराटे से लोगों को फायदा है, नन्हे मुन्ने बच्चे को भी देखा जा रहा है जो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आखिर क्यों भविष्य में इनका किस तरीके का कराटे का उपयोग है, और क्यों चाहते हैं जो बच्चे प्रशिक्षित हों कराटे को लेकर के? जी, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, कराटे से है और बिहार के कोच है। ये द पावर प्लस मार्शल आर्ट क्लब में जो है एक आयोजन हम लोग रखे हैं बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता। इसमें 3 जिला से जो है बच्चे भाग लिए हैं, एक सोनपुर जिले के हैं, पटना जिले के, और एक अपने वैशाली जिले के। इसमें लड़की लड़का सभी लोग इसमें भाग लिए हैं। ये बेल्ट ग्रेडिंग है जो हम लोग प्रत्येक 3 महीना पे ये बेल्ट ग्रेडिंग करते हैं। जो बच्चे जिस तरह का मेहनत किए हुए रहते हैं उसके अनुसार से हम लोग उसको पीला रंग का बेल्ट, उसके बाद ऑरेंज कलर का, मतलब ये जो भी बेल्ट है पीला भूरा काला सभी रंग का जो है बेल्ट हम लोग उस अपना योग्यता के अनुसार से देते हैं। और ये बच्चे लोग को जो है यहाँ से जब तैयार हो जाता है तो राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय जो भी लेवल होता है वहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं। और बच्चे लोग का सोच है कि मेहनत कर करके और ओलंपिक तक पहुँचे। ये द पावर प्लस मार्शल आर्ट क्लब मरई रोड में है, और इसमें ही बच्चे सीखते हैं, और गुरौल से भी आए हैं और सोनपुर से भी आए हैं, पटना से भी आए हैं, तीनों जगह से आकर के बच्चे से पार्टिसिपेट किए। इसमें लड़का लड़की सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए, कट कर दीजिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, कराटा आप कितने दिनों से सीख रहे हैं? क्या लगता है आगे चल के क्यों जरूरी है कराटा? आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे हाइट के बच्चों को सब इनेम करते हैं और कुछ मतलब से अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम बच्चे का कहना है कि बढ़ते अपराध को लेकर के भी ये अपने आप को मजबूती बनाना चाहते हैं। सर, कराटा क्यों जरूरी है? कराटा के लिए बहुत जरूरी है, और इससे आगे जैसे ओलंपिक का गेम होता है तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आगे ये खेल के अंदर से आता है, जिसमें आगे जब किसी तरह का कोई नौकरी वगैरह में इसमें परसेंटेज भी मिलता है, छूट मिलता है, आरक्षण भी मिलता है, और बच्चों का आगे मतलब इसमें उम्मीद है कि ये लोग आगे भारत सरकार की तरफ से जो ओलंपिक होंगे उसमें ये लोग चाहते हैं कि स्टार फाइटर कराटे एकेडमी और जो पावरफुल मार्शल आर्ट की तरफ से जितने अजय कोच अजय कुमार गुप्ता जी हैं इनके तरफ से इनके बच्चे वहाँ भाग लें और राज्य मतलब भारत के स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करें, मेडल लाएँ और अपना सुरक्षा भी कर सकें, तो हर तरह से कराटे फायदेमंद। क्या लगता है बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ कर के किस तरीके से योग हो रहे हैं और आगे क्या कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अगर कराटे के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एशिया की फिटनेस के तो है ही, और खुद का अपना फिटनेस और अपने आप में जिला शरीर को बॉडी को रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और हाजीपुर ऐसे जगह पे जो अजय जी ने कैसा कुछ चलाया है, ऐसे ऐसे जगह पर बहुत ऐसे जिला डिस्ट्रिक्ट में अगर चलाया जाए तो बहुत ही बच्चे लोगों का भविष्य चेंज हो सकता है और माइंड आदमी का डाइवर्ट हो सकता है। बहुत ही ये कराटा बच्चे बच्चे सीखना शुरू कर दिए हैं, और लग रहा है कि बच्चे में एक बदले की भावना है, जो हमसे टकराए वो चूर हो जाए। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।